नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग थोड़ा सा कुछ नॉलेजेबल चीज़ बातचीत करेंगे, जैसे कि जो नॉलेज होने से आप लोगों का जो मिक्सिंग और मास्टरिंग जो लेके बहुत सारा दिक्कत होता है, तो वो थोड़ा सा बहुत बहुत जगह पर क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली कुछ कुछ टर्म्स है ऑडियो में जो हम लोग ठीक से समझ नहीं पाते। बेसिकली ये क्या है, व्हाट इज़ कंप्रेसर, व्हाट इज़ लिमिटर, व्हाट इज़ सेचूरेटर, व्हाट इज़ डिस्टोर्शन, इस टाइप के कुछ टर्म्स है। तो किस में क्या लगेगा, एक्चुअली क्या होना चाहिए, एक्चुअली जब मिक्स पास हम लोग करेंगे, जो मास्टरिंग मतलब फाइनली कुछ बनाएंगे, कुछ इफेक्ट को इफेक्ट लगा के जब हम लोग करेंगे, तो क्या हम लोगों को देखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वैसे ही एक आज एक प्लगइन के बारे में हम लोग बोलेंगे, देखेंगे। तो जो प्लगइन ओनली ऐसा नहीं है ओनली मिक्स पास में काम करता है, इंडिविजुअल में भी काम करता है, ठीक है। ये प्लगइन के बारे में पहले हम लोग बातचीत किया था, इसका दूसरा एक वर्षन का, और आज जो वर्षन के ऊपर काम करेंगे तो ये है और एक वर्षन। तो चलिए हम आउटपुट ट्रैक में जाते हैं। आउटपुट ट्रैक का अंदर हम जो पर्टिकुलरली लिए है, ये है पर्टिकुलर एक प्लगइन अलायंस का ब्लैक बॉक्स। आपने देखा है, हम बहुत सारा ट्यूटोरियल में लगाया है ब्लैक बॉक्स। एक सेचुरेटर है, सेचुरेशन करते हैं। तो ब्लैक बॉक्स एनालॉग डिज़ाइन AG2MS इसका नेम है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब हम लोग कैसे इसको यूज़ करें और इसमें होता क्या है, इसमें सेचुरेशन का मीनिंग क्या है। तो सेचुरेशन अगर हम लोग देखेंगे, व्हाट इज़ सेचुरेशन अगर हम लोग देखना चाहते हैं, इसका जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, तो थोड़ा सा हम इसको लिख के रखा है, अगर आप लोग सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ऑडियो सेचुरेशन इज़ द एसेंस ऑफ व्हाट मेक्स एनालॉग हार्डवेयर, व्हाट मेक्स एनालॉग हार्डवेयर। अच्छा करके इसको समझिए, एनालॉग हार्डवेयर साउंड म्यूजिकल एंड प्लेजिंग। तो इसका मीनिंग है, ऑडियो सेचुरेशन इज़ द एसेंस ऑफ व्हाट मेक्स एनालॉग हार्डवेयर साउंड म्यूजिकल एंड प्लेजिंग। ड्राइविंग साउंड्स थ्रू टेप हो सकता है, जैसे कि टेप पहले तो चलता था स्पूल और टेप में चलता था, ट्यूब हो सकता है, ट्रांसमीटर हो सकता है, एंड सर्किट्स हो सकता हैव लॉन्ग बीन एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन ग्रेटर साउंडिंग मिक्सर्स। सैचुरेशन इज द सूटेबल फॉर्म ऑफ डिस्टॉर्शन दैट एड्स प्लेजेंट साउंडिंग हार्मोनिक्स। तो इसमें बोलना चाहता है बेसिकली, जैसे कि सेचुरेशन ऐसा एक चीज़ है जिसमें जितना सारा पार्टिकल, साउंड का जो पार्टिकल होते हैं उसका एक अलग से फॉर्म, अलग ग्रेटर साउंडिंग फॉर्म होता है इसका, ठीक है। सेचुरेटर लगाने से ओनली साउंड जोर से नहीं बजेगा, साउंड का जो एलिमेंट उसका अंदर जो, जैसे कि आपने गिटार बजाया है तो गिटार का जो स्ट्रिंग का ओरिजिनली ग्रेटर साउंड होता है, तो स्ट्रिंग का जो बजाने से जो पर्टिकुलरली नेचुरल साउंड जो होता है उसका जो ग्रेटर साउंड बनता है वो सेचुरेटर करता है। तो ये इसमें एक बोल रहा है सेचुरेटर एक्चुअली एक डिस्टॉर्शन फॉर्म है, डिस्टॉर्शन दैट एड्स प्लेजेंट साउंडिंग हार्मोनिक्स। तो डिस्टॉर्शन अगर हम पूछेंगे डिस्टॉर्शन क्या है, तो डिस्टॉर्शन ऐसे ही होता है जैसे कि अगर आप लोग एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में ले जा सकते तो उसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं। जैसे हम थोड़ा एग्जाम्पल डालते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एक हम लोग गिटार बजाया है, ठीक है। गिटार का जो साउंड है, तो जो इसका जो बाई बार्थ साउंड होता है, ठीक है, जब हम लोग बजाए हैं कुछ इफेक्ट छोड़ के, जब डिस्टॉर्शन लगा के एक जगह पर हम लोग लेके गया है जिसके अंदर बहुत सारा हार्डवेयर हो सकता है, जैसे कि अगर हम लोग हार्डवेयर यूज़ करें, डिस्टॉर्शन बोल के एक हार्डवेयर भी होता है, बोस का एक जो बेस गिटार में लगाते हैं, गिटार में लगाते हैं, इस टाइप के हार्डवेयर, उसमें क्या रहता है, एक मदरबोर्ड रहता है, कुछ आईसी रहता है, कुछ डायोड रहता है, कुछ कैपेसिटर रहता है, इस टाइप का कुछ चीज़ रहता है। तो जो क्या करता है, साउंड का चेंज करके, साउंड को चेंज करके उसका फॉर्म को चेंज कर देता है। जैसे कि ये साइन वेव है, तो साइन वेव का बहुत सारा अलग अलग फॉर्म भी होता है, जैसे कि ऐसा भी होता है, तो ये फॉर्म चेंज हो गया। तो ये फॉर्म कैसे चेंज हुआ, ना डिस्टॉर्शन इफेक्ट से फॉर्म चेंज हो गया, नया एक फॉर्म बन गया,
तो इसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं। और सेचुरेशन तो आप लोग समझ गए, जो अल्टीमेट लेवल का जो साउंड होता है उसका जो ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट साउंड जो होता है वो सेचुरेशन है। तो इसमें हम लोग सेचुरेशन के बारे में बातचीत करेंगे, और दूसरा एक चीज़ करेंगे मिड साइड का बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो देखिए ये जो पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म है, इसमें एक सेचुरेशन प्लेटफॉर्म है, उसका अंदर जो अलग अलग कार्व दिया हुआ है, जैसे कि ये हो गया आपका हाई पास, ये हो गया मिडिल का, अगर हम लोग जाएंगे बैंड पास, ये हो गया फ्लैट, ये हो गया बैंड स्टॉप, ये हो गया लो पास, पांच अलग अलग इसका फिल्टर है। जो फिल्टर डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, मतलब ऊपर का जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन में अगर ये फिल्टर में रहेगा तो ये दोनों सेक्शन पर्टिकुलरली यही फिल्टर के ऊपर काम करेगा। अगर फिल्टर हम लोग चेंज कर देंगे, अगर फ्लैट फिल्टर कर देंगे तो फ्लैट का नॉर्मल कोई काम नहीं करेगा इसका, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ई फिल्टर में करेंगे तो इसका एक सैचुरेशन और इसका क्यू, जो क्यू क्यू मतलब क्या होता है, क्यू का कार्व, मतलब कार्व कैसे बनता है, तो उसका ऊपर काम करेंगे, तो काम करते हैं। तो अभी ये हो गया, इसमें दोनों क्यू दिखा रहे हैं, इसलिए दोनों दिखा रहे हैं। ये हो गया नॉर्मली, अगर हम लोग इसका लिंक करेंगे, इसको मिड साइड को ऑफ कर देंगे, जैसे कि ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ठीक है, ये एक लेफ्ट हो गया और एक राइट हो गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका, मिड साइड, जैसे कि ये हो गया मिड और एक साइड। मिड साइड अगर हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे कि बहुत सारा मिक्सिंग मास्टरिंग में मिड साइड इफेक्ट बहुत अच्छा क्वालिटी में यूज़ होता है, मिड साइड इफेक्ट बहुत अच्छा बनता है। तो कैसे मिड साइड का अगर ग्राफिकली अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो मिड साइड ऐसा होता है, तो जैसे कि इसमें ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, ठीक है। ये सेक्शन जो वाइडर सेक्शन होता है, पर्टिकुलरली इस जगह से इस जगह तक वाइडर सेक्शन होता है, और एक्चुअली मिड साइड जो होता है तो ये पर्टिकुलर सेक्शन मिड साइड सेक्शन होता है, तो ये सेक्शन नहीं होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑलमोस्ट लेफ्ट राइट का बहुत बहुत कुछ करीबी है, मगर एक्सट्रीम जो लेफ्ट मतलब एक्सट्रीम जो लेफ्ट होता है और एक्सट्रीम जो राइट होता है वो जगह छोड़ के बाकी जो पोर्शन होता है तो वो मिड साइड पोर्शन होता है। तो ये डायग्राम से आप लोग समझ पा जाओगे जैसे कि मिड साइड इफेक्ट क्या होता है। तो मिड साइड मतलब ये पर्टिकुलर जगह के ऊपर हम लोग अगर कुछ काम करेंगे तो ये जगह अनटिल मतलब कोई चेंज नहीं होगा, इस जगह पर कोई चेंज नहीं होगा, इस जगह पर चेंज होगा ओनली, तो इसको मिड साइड बोलता है। तो अगर हम लोग मिड साइड करेंगे तो मिड साइड का इफेक्ट एमएस चला आएगा। तो अभी सुनते हैं क्या है, इतना ज़्यादा हम बकबक कर रहा है तो इसका ऊपर सुनते हैं बेसिकली इसका कुछ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि इसको बड़ा नहीं करेंगे तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो जाएगा। तो इसको थोड़ा देखते हैं किधर से बड़ा करते हैं, 100% व्यू में है, इसको 125 करते हैं। और इसमें देखिए नीचे का पोर्शन है, कैलिब्रेशन है, मोनो मेकर है, स्टूडियो विड्थ है, पैरेलल मिक्स है और आउटपुट है। पैरेलल मिक्स तो आप लोग जानते ही हो, हम ट्यूटोरियल दिया है, तो अभी चला के सुनते हैं इसको कैसा लगते हैं। चलिए विदाउट इफेक्ट चल रहा है। सबसे बड़ा चीज़ जो है इसमें हम बोलना चाहते हैं, जैसे कि एक सोलो बटन लगाया है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम सैचुरेशन को बढ़ा दिया, ठीक है, तो बढ़ा के इसका सैचुरेशन कितना बड़ा है, जैसे कि एक एक ग्लास पानी के अंदर हम थोड़ा सा कुछ डाल दिया है, कुछ मिक्स जैसे कुछ कलर डाल दिया है, तो पर्टिकुलर कलर का परसेंटेज क्या है वो जानने के लिए ये सोलो बटन, जो सेचुरेशन इतना परसेंटेज हम लोग बढ़ाया है तो सोलो बटन को यूज करने से कितना बढ़ाया है हम लोग देख सकते हैं। इसको Thank you.
मिड साइड में काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हाइड ओपन हो गया। देखिए ऑफ करते हैं, ये था, ऑन करते हैं। कौन सा अच्छा लग रहा है आप लोगों को बोलना है ऐसे। एक्चुअली ये अभी लेफ्ट राइट चल रहा है और अभी मिड साइड कर रहा अभी। कौन सा अच्छा लग रहा है ये थोड़ा सा देखिए। और उसके बाद और एक चीज़ बोलना है, जैसे कि इसमें टीएमटी का जो पर्टिकुलरली मिड और साइड का जो एल्गोरिदम है इसके अंदर, ठीक है, इसमें हम लोग रैंडमली चेंज करके एल्गोरिदम को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये एक हार्डवेयर होता है, बहुत कॉस्टली एक हार्डवेयर है ब्लैक बॉक्स का। अगर आप लोग देखोगे प्लगइन एलियंस का ब्लैक बॉक्स का अलग से एक हार्डवेयर होता है, बहुत ही कॉस्टली। तो इसका एक सॉफ्टवेयर वर्शन ये है, ठीक है। आप लोग बोल सकते हो जैसे कि एक सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर हार्डवेयर लगाने से भी इस सॉफ्टवेयर से काम करना पड़ता है। तो जब हार्डवेयर लगा हुआ होता है तो उसका क्वालिटी और भी अच्छा बनता है। तो इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, हम लोग बोल सकते हैं कुछ मदरबोर्ड, कुछ प्रोसेसर, इसके अंदर कुछ क्रिस्टल, इसके अंदर कुछ डायड, इसके अंदर कुछ कैपेसिटर, इस टाइप का कुछ चीज़ है। तो पर्टिकुलरली ये सब चीज़ क्या करता है, सैचुरेटर का काम करता है। सैचुरेट होके जो नया फॉर्म बनता है इसका, वो फॉर्म इतना अच्छा क्वालिटी देता है जैसे कि आप लोगों को लगेगा, जैसे होता है ना, जैसे कि हम लोग जब चश्मा से जब हम लोग देखते हैं, कुछ अगर पड़ जाए, कुछ बारिश, कुछ पानी आ जाए, तो वो पूरा क्रिस्टल क्लियर, जब हम लोग उसको अच्छा करके सफाई करके अगर देखेंगे तो उसका क्लियर देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा क्लियर ही होता है। इसका परसेंटेज के हिसाब से अगर आप लोग इसको मिक्स और मास्टरिंग का अंदर अगर कंपेयर करोगे तो परसेंटेज उतना ज़्यादा नहीं है, 20% डिफर करते हैं मिक्स और मास्टरिंग के अंदर। मगर इसका क्वालिटी मतलब लाजवाब क्वालिटी, बहुत अच्छा क्वालिटी, आप लोग यूज़ कर सकते हो। ब्लैक बॉक्स जो लोग यूज़ किया है, मतलब जो हमारा चैनल को देख के जितना सारा लोग ब्लैक बॉक्स यूज़ किया है, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। हमको बोला है सर ब्लैक बॉक्स लगा के तो बहुत काम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और ये है ब्लैक बॉक्स का दूसरा एक वर्शन, जिसमें आप लोग मिड साइड इफेक्ट लगा सकते हो,
इसमें लेफ्ट राइट इफेक्ट भी लगा सकते हो, उसका साथ साथ सेचुरेशन को अलग अलग डिवाइडेड, मतलब जैसे कि मीट का सेचुरेशन अलग होगा, साइट का सेचुरेशन अलग होगा, ऐसा भी आप लोग कर सकते हो। और उसका साथ साथ इसका स्टीडियो विड्थ को बढ़ा सकते हो, और सबसे बड़ा चीज़ है पैरेलल मिक्स कर सकते हो। पैरेलल मिक्स मतलब आप लोगों को दिखाया है जैसे कि पैरेलल कंप्रेसर कैसे यूज़ करते हैं, तो उस टाइप का ही एक पैरेलली मिक्स, जैसे अगर मीड और साइड दोनों एक साथ पैरेलली आप लोग मिक्स कर सकते हो, आउटपुट को लेवलिंग कर सकते हो ठीक से, मतलब कितना लेवल रहेगा, क्योंकि हम लोग जब आउटपुट करें इसका एक ये भी करना ज़रूरी है, जैसे कि देखना भी ज़रूरी है। आउटपुट ज़्यादातर अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, कुछ जगह पर फट जाएगा साउंड। डिस्टॉर्शन ज़्यादा अगर हो जाएगा तो साउंड फटने लग जाएगा, अगर उसका एम्पलीफिकेशन ठीक नहीं है तो। अगर अगर 50 रुपये वाला हेडफोन में अगर आप लोग रॉक सुनोगे, बहुत ज़ोर से अगर डिस्टॉर्शन गिटार सुनोगे तो वो हेडफोन ले नहीं पाएगा, क्योंकि उसका एम्पलीफिकेशन उतना, मतलब वो कैपेसिटी नहीं है उसके अंदर। तो इसीलिए डिस्टॉर्शन ज़्यादा होने से प्रॉब्लम है, डिस्टॉर्शन कम होने से भी प्रॉब्लम है, और सेचुरेशन को भी ऐसा लेवल पे आप लोगों को रखना पड़ेगा जैसे एक गिटार का आवाज़ एक्सट्रीम लेवल तक ऐसे ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके लिए एयर ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्योंकि एयर ट्रेनिंग नहीं करने से क्या होगा, मतलब ख़त्म ही नहीं होता जाएगा, मतलब आप लोगों को लगेगा जैसे कि ये और भी अच्छा होगा, और भी अच्छा होगा, ये अच्छा होगा होगा करते 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 ऐसा होगा जैसे कि सब एक साथ मिला के इतना जम्बल्ड अप हो गया, जैसे ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है। तो ये मिक्सिंग करने के लिए आप लोग थोड़ा टाइम, एक साथ 1 घंटा 2 घंटा देने के बाद उसको छोड़ दीजिए, उसका दूसरा दिन सुनिए, क्योंकि इसमें मूड चेंज होता है, मूड सिंक होता है। अगर मूड अच्छा नहीं है तो मिक्सिंग मत कीजिए, अगर मूड अच्छा है तो 1 घंटा पूरा उसके ऊपर फोकस करके आप लोग एक सजा के रख दीजिए, वो उसको फिर नेक्स्ट डे सुनना है, जैसे कि जो कल हम लोग किया था आज इसका मिक्सिंग कैसे सुनने में लग रहा है। तो तब 1-2 दिन मतलब करके ये देखना पड़ेगा किस टाइप का होता है, जब एक्सपीरियंस बन जाएगा तब आप लोगों को उतना टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, मतलब एक बार बैठ के ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसमें क्या लगाना चाहिए इसका एक लिस्ट आप लोगों को बनाना पड़ेगा, जैसे कि एक बुकल में ये लगाना चाहिए, ये होना चाहिए, जैसे एक कंप्रेसर लगाना चाहिए, एक सेचुरेटर लगाना चाहिए, एक इक्यू लगाना चाहिए, ये लिस्ट करना पड़ेगा कौन सा चेन में लगाएंगे। तो यही था एक्चुअली आज का ट्यूटोरियल का, तो ब्लैक बॉक्स का ये जो नया वर्शन है, और भी बहुत सारा इक्यू के बारे में हम बोलेंगे, क्योंकि अभी जो ट्यूटोरियल दे रहा है उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये बिगिनिंग पार्ट, ये पार्ट अगर नहीं ठीक से समझ में नहीं आएगा तो कभी भी मिक्सिंग मास्टरिंग अच्छा नहीं बनेगा, एकदम गारंटी नहीं बनेगा, क्योंकि किसी का देख के मिक्सिंग मास्टरिंग करना और अपना खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करके कॉन्फिडेंट बनाना ये ठीक नहीं है। एक्चुअली क्या है, जो हम बोलने के लिए जा रहे हैं वो हमारे एक्सप्रेशन, मतलब हम करके देखा है तो वही आप लोगों को बोल रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हम जो मन में हो रहा है वही बोल रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम दीजिए, टाइम दीजिए। और क्या है एक्चुअली सेचुरेटर का सेचुरेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं समझ पा रहा है तो वो डॉक्टर प्लागिन वाला जो इफेक्ट है, तो डॉक्टर प्लागिन वाला इफेक्ट नहीं है, जो एनालाइज़र है वो एनालाइज़र में आप लोग एनालाइज करके देख सकते हो, सच में क्या ये चेंज करने से इफेक्ट, उसका कार्व का इफेक्ट क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं चेंज हो रहा है। तो अगर चेंज हो रहा है तो आप लोगों को कानों में नहीं, किस लिए नहीं आ रहा है, तो वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा ट्यूटोरियल हमारा लंबा हो जाता है ठीक ही, मगर जो हम बोल रहे हैं ये थोड़ा एक बार ध्यान लगा के सुनकर एक बार स्टडी करके देखो, इसमें क्वालिटी अच्छा बनेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर हमारा जो प्लागिन, हम जो प्लागिन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, अगर ये अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जैसे कि हाँ अच्छा लगा है, और किसके ऊपर वीडियो आप लोग चाहते हो, ज़्यादातर वोटिंग जिसमें होगा उसके ऊपर ही वीडियो डालेंगे, और नहीं तो हमारा चॉइस का जो वीडियो होता है वही हम डालेंगे। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साउंड नॉलेज को और करे अपने लिए।
म्यूजिक कॉम्पोजिशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।